तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का मान अभी एक रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन मिलेगा आपको उसमें तिर्यक ऊंचाई दी रहेगी। जब आप सोचते हैं तिर्यक ऊंचाई दी हुई है तो हम तो ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जान रहे हैं, इसको कैसे रखें, तो उसके लिए बता रहा हूं। ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एच हो गई आपकी और तिर्यक ऊंचाई आपकी एच डैश हो गई, और ऊर्ध्वाधर से आपने कितना कोण झुकाया है इसको, है ना भाई, अगर आपने थोड़ा झुकाया हुआ है या ज्यादा झुका दिया है तो उसी हिसाब से जो तिर्यक ऊंचाई द्रव की है ये घट जाएगी बढ़ जाएगी, तो कितना आपने ऊर्ध्वाधर से झुकाया है इसको ये भी ध्यान रखा जाएगा। तो अगर किसी नली को ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण झुकाया जाए, किसी नली को ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण अगर झुकाया जाए तो उस अवस्था में नली में चढ़े जल की जो तिर्यक ऊंचाई है वो एच डैश होगी और नली में चढ़े द्रव की जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वो एच होगी। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी आधार बटे कर्ण, आधार का मान क्या है एच है और कर्ण का मान है एच डैश, तो एच डैश का मान क्या हो जाएगा, एच डैश का मान हो जाएगा एच अपान कॉस थीटा, ठीक है, एच डैश का मान क्या होगा एच अपान कॉस थीटा, ये होगा ना, ऐसे होगा, या एच डैश एच की वैल्यू हो जाएगी एच डैश कॉस थीटा, समझ रहे बात को, तो ये मान आप इसमें रख देंगे सूत्र में तो आपको वो मान मिल जाएगा, ठीक है, वो मान आपको प्राप्त हो जाएगा, उस सूत्र का मान लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्या होगा एच डैश इक्वल टू टू टी अपान कॉस थीटा, एच डैश इक्वल टू टू टी अपान कॉस थीटा अपान आर रो जी, एच डैश का मान हो जाएगा टू टी अपान टू टी का सॉरी टू टी का थीटा, एच डैश इक्वल टू टू टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी इंटू कॉस अल्फा, देखो थीटा दो बार हो गया ना, एक बार थीटा सूत्र में पहले था और यहां भी थीटा आपने नोट किया तो थीटा ओवरलैप कर रहा है ना, तो एक कोण को आप डिफरेंट मानिए, इसको अल्फा मान लीजिए और पहले वाला अल्फा थीटा आपका था ही, तो उस सूत्र में आप रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, पहले वाला फार्मूला आपको पता ही है, पहले वाला फार्मूला है टी बराबर आर एच रो अपान टू कॉस थीटा, पहले वाला फार्मूला आपका ये है। अब जो है टी बराबर क्या हो गया आर एच जो क्या हो गई एच की वैल्यू हो गई, यहां रखेंगे मान एच डैश कॉस अल्फा, ये अल्फा आपका जो है वो ऊर्ध्वाधर से झुकाव है और थीटा जो पहले वाला है वो संपर्क जान ही रहे हैं, एच की वैल्यू हो जाएगी एच डैश कॉस अल्फा इंटू रो इंटू जी अपान हो जाएगा टू कॉस थीटा, या आपको यहां से अगर एच डैश निकालना है एच डैश तिरछा उड़ा करिए हो जाएगा टू टी कॉस थीटा अपान आर रो जी कॉस अल्फा आर रो जी कॉस अल्फा, ठीक है, ये तिर्यक ऊंचाई में द्रव चढ़ती है उसका फार्मूला है, ठीक है। पृष्ठ तनाव पे किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, तो तीन चीजों का प्रभाव पड़ता है, बताया भी गया आपको ऐसे है, पृष्ठ तनाव पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है, नंबर एक ताप का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, ताप का प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ा देंगे आप, ठीक है, तो क्या होता है पृष्ठ तनाव आपका घट जाता है, ठीक है, जल को गर्म कर देंगे तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है, इसीलिए गर्म जल जो है कपड़ों की ज्यादा सफाई करता है, साबुन मिला देंगे तो उसका जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाएगा, इसलिए साबुन मिला हुआ जल या वॉशिंग पाउडर मिला हुआ जल कपड़ों की अच्छी सफाई करता है। तो पहला जो है इसका प्रभाव होता है ताप का होता है, दूसरा जो है वह जो इम्प्योरिटी होती है या अशुद्धि होती है अशुद्धि का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, अशुद्धि का प्रभाव पड़ता है, कोई इम्प्योरिटी मिल जाए जल प्रदूषित हो जाए तो उस प्रदूषित जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है, और तीसरा होता है विलेय का प्रभाव, ठीक है, विलेय का मतलब जैसे आपने जल में चीनी घोल दिया या जल में नमक घोल दिया जो उसमें विलेय है तब भी उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है, ठीक है ना, तो ये इम्प्योरिटी का प्रभाव होता है विलेय का प्रभाव होता है और साथ साथ ताप का प्रभाव होता है, ठीक है ना, ये प्रभाव जो है पड़ता है पृष्ठ तनाव पर। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल आप लगा लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम कल फिर बताएंगे।